जी आपको आम आदमी पार्टी से क्या तकलीफ हुई और आपने क्या देखा जो आपको पूछा? आम आदमी पार्टी में हमारा 7 साल का समय हमने आम आदमी पार्टी को दिया और खून पसीने से पार्टी को सींचा। पार्टी में आंतरिक कलेश और विशेष जातिवाद का प्रभाव पड़ा है, जिसके कारण हम लोग जैसे लोगों के लिए पार्टी की आंतरिक स्थिति और उसका वातावरण में हम लोगों के सर्वाइव करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो गया। दूसरी तरफ जाप के सुप्रीमो माननीय पप्पू यादव जी से हम लोग काफ़ी प्रभावित हुए। जनता के बीच में रहने का काम किया है इन्होंने, जनता के साथ साथ खड़ा रहने का काम किया है इन्होंने और हर समय हर मुश्किल घड़ी में हर समय लोगों के बीच में रहे हैं, जिनके कार्यशैली से हम बहुत प्रभावित हुए। और हम लोग भी कहीं ना कहीं जब हम लोग राजनीति में आए तो जनता के लिए काम करने का एक जो हम लोगों में संकल्प था, वो संकल्प कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हम पप्पू यादव जी से हम बहुत प्रभावित हुए। जो क्षेत्र आपका नालंदा क्षेत्र में आता है, जहाँ से नीतीश कुमार का गढ़ माना जाता है नालंदा क्षेत्र, जी वहाँ पे बड़े बड़े दिग्गज जो हैं उनके सामने आप कैसे मुकाबला करिएगा? देखिए, मुकाबला दिग्गजों के बीच का नहीं रह गया है, अब कॉमन मैन की लड़ाई होगी। हमारे आदरणीय नेता पप्पू यादव जी जी का यही बात हमको पसंद आया कि कॉमन मैन वर्सेस ये कैपिटलिज्म की लड़ाई बनाई जाए। इसको चुनाव में आम लोगों को, गरीब लोगों को चुनाव कैसे लड़ाया जा सकता है, या एक गरीब परिवार का लड़का, हमारे जैसे परिवार का लड़का, मिडिल क्लास फैमिली का लड़का राजनीति में कैसे आ सकता है? राजनीति लालू यादव का विरासत नहीं हो सकता है, तेजस्वी यादव राजनीति में आएंगे विरासत से, सिर्फ यही राजनीति का परिभाषा नहीं होना चाहिए। हमारे जैसा भी गरीब लड़का, आप सड़क के किनारे कोई माली का लड़का, धोबी का लड़का भी राजनीति में आ सकता है, इसकी परिकल्पना हम। बिहार में चुनावी सरगर्मी बहुत तेज है जी, सभी पार्टियां बहुत जोर शोर से लगती हैं जी। कुछ लोग इस पार्टी से उस पार्टी में आ रहे हैं, जैसे आप छोड़ के जाप में आए जी, जी गठबंधन छोड़ के एनडीए में गए जी, जी श्याम रजक जी जेडीयू छोड़ के आरजेडी में गए, ये तोड़ मोड़ इलेक्शन के टाइम में क्यों होता है सर? देखिए, इसका जवाब मेरे पास मात्र इतना है कि हम लोगों ने पार्टी को 7 साल सींचा। हमने, मैं प्रदेश युवा अध्यक्ष आम आदमी पार्टी का रहते हुए, हमने प्रदेश युवा की कमेटी को बूथ स्तर पे संगठन जब अपना बनाया, हमने अपने संसाधन से बनाया। जब पार्टी चुनाव के में जाने की स्थिति में नहीं रहेगी तो अल्टीमेटली वो संगठन जो हमारा इतने मेहनत से बनाया हुआ संगठन, वो बिखर जाता है। पिछले 2015 के इलेक्शन में भी हमने यही देखा, तो हम फिर जीरो हो जाते। और आज भी स्थिति आम आदमी पार्टी की ये है कि वो चुनाव में नहीं जा सकती है और उसकी जाने की स्थिति नहीं है, तो संगठन हम जो इतना मेहनत से बनाते हैं वो संगठन बर्बाद हो जाता है। बाकियों का तो पता नहीं कि कौन किस पार्टी से आए, कौन किस दल से आए, बट हमारा व्यक्तिगत राय है कि मैं आम आदमी पार्टी छोड़कर जाप में इस पर ले आ रहा हूँ कि जो मेरा संगठन बनाया जा रहा है या जो संगठन हम बनाए वो संगठन बरकरार रहे, कामयाब हो हम लोग। और हम लोग संगठन चुनाव लड़ने के उद्देश्य से नहीं बनाते, बहुत ज्यादा संगठन हम लोग इसलिए बनाते हैं कि एक समूह बने जिससे गरीब लोगों का विकास की बात हो सके, गरीबों की मदद की बात हो सके, सहयोग की बात हो सके। और चुनाव लड़ना एकमात्र कारण नहीं है राजनीति का। मैं शाहान परवेज, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आम आदमी पार्टी युवा प्रकोष्ठ, और अभी जाप का सदस्यता मैंने ग्रहण किया है। आदरणीय पप्पू यादव जी से काफी प्रभावित हुआ हूँ, उनकी विचारधारा से काफी प्रभावित हूँ।